हेलो गाइस, आज की वीडियो स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल के बारे में है। स्क्रू गेज इस वर्नियर कैलिपर से 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जहां हमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है, वहां हम इस स्क्रू गेज का यूज करते हैं। जैसे कि किसी वायर की डायमीटर अगर हमें निकालनी है, ये वायर मान लिया अगर है, इसकी डायमीटर अगर निकालनी है तो जनरली हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसकी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। इसी वजह से इसका नाम भी माइक्रोमीटर रखा गया है इस स्क्रू के। चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, यहाँ पे ये स्क्रू टाइप होता है। साइड से आप देख पाएंगे, इधर से स्क्रू टाइप होता है और यहाँ तक इसका ये हेड, ए हेड यहाँ तक आता है। इसको बोला जाता है स्टड, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये स्टड कहलाता है। उसके बाद अगला पार्ट कौन सा है? ये यू शेप जो मेटालिक फ्रेम है, ठीक है। तो ये क्या है? यू शेप मेटालिक फ्रेम होता है जिसके साथ एक सिलेंड्रिकल हब जुड़ा होता है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल हब है ये। आपको जो ये सिलेंडर टाइप ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सिलेंड्रिकल हब, ठीक है। उसके बाद इस सिलेंड्रिकल हब पे आप देख पाएंगे, इस सिलेंड्रिकल हब पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये कहलाती है रेफरेंस लाइन, ठीक है। और मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ स्केल दिखाई दे रहा होगा। ये स्केल इस केस में मिलीमीटर का स्केल है, कुछ केस में ये हाफ मिलीमीटर स्केल भी रहता है, 0.5 मिलीमीटर इसकी एक डिवीजन होती है। यहाँ पे मिलीमीटर स्केल है, ठीक है। तो ये 25 मिलीमीटर तक का स्केल यहाँ पे इस केस में है। इस स्केल को कहा जाता है लीनियर स्केल और पिच स्केल, ठीक है। ये स्केल पूरा क्या कहलाएगा? लीनियर स्केल और पिच स्केल। इसमें दो स्केल होते हैं, ठीक है। ये लीनियर स्केल हो गया। उसके बाद ये जो हमारा सिलेंड्रिकल हब था, इसके अंदर से ये एक नट जो है इस तरीके से पास हो जाता है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नट के जो है थ्रेड्स अंदर बने हुए हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे फिट होते हैं। तो ये इसके अंदर इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। जब हम इस पीछे वाले सिलेंड्रिकल कैप को, ये सिलेंड्रिकल कैप कहलाती है पीछे, ठीक है, ये पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल कैप कहलाती है। ये जो नट था, स्क्रू जो था, इस जब पूरे सिलेंड्रिकल कैप को हम रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू भी आगे की तरफ मूव करता है, बैक जब रोटेट करते हैं तो पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन देने पे एक कंप्लीट थ्रेड आगे बढ़ जाता है ये। और कितना आगे बढ़ जाता है? ये इसका प्रिंसिपल भी है, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ही आगे बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द स्क्रू। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन देने पे कितना लीनियर मोमेंट इसके हेड ने किया, ये जो था लीनियरली कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज पिच। तो सिलेंड्रिकल हब के बारे में मैंने बता दिया। उसके ऊपर जो स्केल होता है उसको लीनियर स्केल बोलते हैं या पिच स्केल बोलते हैं। ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये हमारा यू शेप फ्रेम था, इसके अंदर ये नट यहाँ पे लगा होता है। हेड जो है, ये हेड जो है इस तरह से आ जाता है यहाँ पे निकल के। तो इस स्टड का ये वाला हिस्सा प्लेन होता है और इस स्क्रू का ये वाला हिस्सा प्लेन होता है। ये दोनों के बीच में वो जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें मान लिया डायमीटर निकाल लिया, मान लिया इस वायर की डायमीटर निकालनी है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे इसके बीच में लगाते हैं, ठीक है। स्क्रू के बारे में मैंने बता दिया। अब इस स्क्रू पे आप ध्यान से देख पाएंगे, इस स्क्रू के ऊपर ये जो सिलेंड्रिकल कैप लगी हुई है, इस कैप के ऊपर यहाँ पे कुछ स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्केल क्या है ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है, नीचे 90, तो ये 90 के बाद पूरा 100 इक्वल पार्ट्स इसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो इस सर्कुलर स्केल में कितने इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं? 100 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है।
ये इसकी लिस्ट काउंट वहीं से पता लगेगी हमें, किसी इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है 100 की जगह पे यहाँ पे 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट में ये एक रैचेट मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, रैचेट हेडम इसको बोलते हैं। इसी को पकड़ के हम इसको रोटेट करते हैं कभी भी हमें अगर टाइट करना होता है तो, जैसे ये इस वायर के अंदर हम इसको लगाएंगे तो हम यहाँ से कभी नहीं पकड़ेंगे हम, ठीक है, हम यहीं से पीछे से टाइट करेंगे इसको, सर्कुलर कैप को कभी नहीं पकड़ के हम इसको टाइट करेंगे, अदरवाइज जो है एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा और जो है रीडिंग्स हमारी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से पीछे से पकड़ के हम इसको रोटेट करते हैं, एक फिक्स टेंशन के बाद ये इसमें से ऐसे कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे अंदर एक्चुअली इसमें आप देख पाएंगे एक स्प्रिंग लगा होता है इसके अंदर, जो कि इस रैचेट से ऐसे अटैच होता है, तो एक फिक्स टेंशन के बाद ये काम करना बंद कर देता है, तो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा आपका, तो आपकी रीडिंग्स जो है हर बार एग्जैक्ट रीडिंग्स आएंगी। अदरवाइज किसी ने अगर ज़्यादा टाइट कर दिया ज़्यादा फोर्स से तो रीडिंग अलग आएगी, अगर किसी ने थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो रीडिंग अलग आएगी, ठीक है। और जब भी ये अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका है एपरेटस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, खराबी नहीं है, तो आप देख पाएंगे नीचे लीनियर स्केल की जो रेफरेंस लाइन थी वो इस सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जीरो से वो उस नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली जीरो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, माइक्रोमीटर स्क्रू होता है, जब एक थ्रेड आगे चलती है तो ये हेड 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाता है इसीलिए, और इसकी लिस्ट काउंट जो है 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, जो कि 10 गुना ज़्यादा होती है वर्नियर स्केल से, जो वर्नियर कैलिपर पे जो वर्नियर स्केल होता है इससे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालनी है वो सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।